सबसे जो दुखद तस्वीर नजर आई, आपको बता दें इन शॉर्ट 10 सेकंड के अंदर कि रेलवे का जो ये बोगी का बेस होता है खुद लोहे से तैयार होता है, बहुत मजबूत, लेकिन सुई भी आपको चुभती है, बहुत तकलीफ होती है। रेल की जो पटरी है चीर कर फाड़ कर बोगी को क्रॉस कर गई है। आपको दिखाते हैं घटनास्थल से ऋतिक मंडल की एक रिपोर्ट, देखिए। ये जो बोगी है ये बिल्कुल, ये जरा देखिए, बहुत ही खराब। थोड़ा श्याम इधर आइए, जरा देखिए और मैं दर्शकों को समझाऊंगा। ये रेलवे के पटरी है, शायद इस तरीके की छवि हम मूवीज में देखते होंगे। इतना भीषण रहा कि रेलवे के पटरी, ये जो बोगी है उसके जो निचला वाला हिस्सा है उसको फाड़ कर मानो जैसे फालानुमा एक स्थिति पैदा हुआ और ऊपर तक, बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंचती है। ये बहुत ही दर्दनाक और ये स्पष्ट बयां करने वाला हिस्सा है, कितना भीषण ये हादसा। आप देख सकते हैं दो छेद जो है यहां पर हो चुका है। ये रेलवे की पटरी है जो टूटकर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है और इस तरीके से तहस तहस करते हुए, कितना भीषण ये हादसा है ये स्पष्ट दिखा रहा है। ये एक ऐसा कमरा है जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसे पहुंचा है, वो तस्वीर जरूर देखने हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर कोई खड़ा होगा तो उनका क्या स्थिति हुई होगी। तो भीषण रेलवे हादसा, अब तक के इतिहास में 280 मौत अब तक हो चुकी है जो आंकड़े बता रहे हैं, और हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो क्योंकि अभी डेथ टोल्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि जो डेड बॉडीज हैं बताई जा रही है कि फंसे हुए हैं। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप सभी को ग्राउंड जीरो हम लिए चलते हैं। ऋतिक, आपके कैमरे से तस्वीर क्या कुछ है, क्या गति है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्या अभी हलचल है, सब कुछ बताइए। आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, जो मरने वालों की तादाद है 280 तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मरने वालों की संख्या जो है 280 पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ 900 के करीब जो है घायलों की संख्या है, लेकिन फिलहाल जो है इसमें इजाफा और होगा क्योंकि मौका वारदात पर जो हम देख रहे हैं वो हम जो देख रहे हैं उससे हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है फिलहाल देखिए जो क्रेन जो है उसको लाया गया है, जेसीबी जो है वो लाया गया है, क्योंकि कई सारे मलबे जो है उसके नीचे हम स्पष्ट देख सकते हैं। कैमरे के जरिए हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो बहुत ही गंभीर छवि है, लेकिन उसके अंदर फंसे हुए लोगों के हाथ और शरीर के हिस्से स्पष्ट दिख रहा है। इसी के कारण आर्मी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हमने देखा कि आर्मी के जो मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची, उसके बाद थोड़ी देर पहले और उनकी जो उसमें और भी इजाफा लाया गया, लोग उन्हें भरवाए उन पर इजाफा किया गया ताकि धीरे धीरे इन सब डेबरीज से उन डेड बॉडीज को निकाला जाए। और ये लगातार सिलसिला जो है हम कल रात से देख रहे हैं। ज़्यादातर ऑफिसरों का कहना है कि अब इसमें फंसे हुए लोगों के बचने की आशंकाएं जो है, संभावना जो है वो धीरे धीरे खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि 12 घंटा से ज़्यादा की वक्त बीत चुके हैं। आइए, जिन ट्रेनों में से सबसे ज़्यादा इसे प्रभावित हुआ है, हमने दिखाया थोड़ी देर पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से यानी जो शालीमार से रवाना हुआ था कल दोपहर करीब 3:15 बजे और उसको पहुंचना था चेन्नई, जो लगातार ये बंगाल और चेन्नई के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ट्रेन है जिसका रफ्तार बहुत ही तेज रहता है। हम समझ सकते हैं कि 100 से ज्यादा की गति होगी, लेकिन हम परिभाषा के दौरान हम जो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें पुष्टि तभी की जाएगी क्योंकि जिस सेक्शन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा है यानी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंची है वो है इसका इंजन। अब उसमें जब इस तरीके के हादसा होता है कि लास्ट जो इसका जो स्पीडोमीटर है वो यहीं पे अटक जाता है, लॉक हो जाता है, सिस्टम इसी तरीके से वहां पर इंस्टॉल रहती है। जब तहकीकात बैठेगा किस तरीके से, आज जैसे जो रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रेलवे जो सुरक्षा बोर्ड यानी रेलवे सेफ्टी कमीशन के जो अधिकारी है उनके तरफ से एक हाई लेवल कमिटी जो है उसकी गठन कर दी गई है, उसकी तफ्तीश के खत्म होने के बाद ही ये सब समझना संभव हो पाएगा कि किस कारण से यह हादसा हुआ। दरअसल अगर ट्रेन डीरेल्ड हो रहा है इसका कारण जो जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि इसका इंजन का कोई शायद खामियाजा हुआ होगा किसके कारण पहले डीरेलमेंट होता है, क्योंकि बारी बारी में समझने की जरूरत है।
लगातार चार पटरी यहां पर दौड़ रही है, जिनमें से एक आउटर सेक्शन में एक मालगाड़ी खड़ा हुआ था और इसी पटरी से होकर जिस ट्रेन में हम सवार है इसके 10 से ज्यादा बॉगी जो है वो डीरेल हो जाती है। पहले कुछ बॉगी डीरेलमेंट हुई, आगे वाला हिस्सा, फिर उसका जो इंजन और उसके साथ साथ पीछे वाले कुछ हिस्से, जनरल बॉगीज, पार्सल वैन या फिर उसके साथ साथ पैंट्री कार, वो जाकर टक्कर मार देता है वो जो वहां पर खड़ा हुआ जो गुड्स ट्रेन है यानी मालगाड़ी है उसके साथ। इसके भीषण अभिघात के कारण ये पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि आपको जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये पीछे वाला हिस्सा है जिसका हिस्सा यहां से पटरी से आगे जाकर, जरा श्याम सुंदर आपको दिखाएंगे कि ये ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है जो पटरी से आगे जाकर इस ट्रेन के बरोबर लाइन से यानी जो डाउन लाइन है वहां से लगभग। चलिए ऋतिक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास और हम वापस आएंगे जानकारी हासिल करने के लिए।